पिछले कई माह से बंद सुदामडी कोलवासरी को पुनः चालू सहित अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को बिहार कोयलवरी कामगार यूनियन के बैनर तले सुदामडी वासरी परियोजना पदाधिकारी कार्यालय गेट के समक्ष प्रबंधन का पुतला दहन किए। यहां सैकड़ों की संख्या में अस्थायी व अस्थायी मजदूर उपस्थित थे तथा वे प्रबंधन विरोधी नारेबाजी भी कर रहे थे। मौके पर वक्ताओं ने कहा, वासरी प्रबंधन के लापरवाही के चलते यह वासरी आज बंद है। यह प्रबंधन निकम्मी है। अगर प्रबंधन थोड़ी भी इच्छा शक्ति दिखाए तो यह वासरी पुनर्चालन हो सकती है, लेकिन प्रबंधन के लोगों की मनसा इसे आउटसोर्सिंग में देने की है, जो हम लोग होने नहीं देंगे। आगे कहा कि यहाँ पर लाखों टन सैलरी पड़ा हुआ है, बीसीसीएल प्रबंधन इसको बेच नहीं रहा है, जिसके कारण यहाँ ठेका मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और आज उनके व उनके परिवार के समक्ष भूखमरी की स्थिति आ गई है। वहीं दूसरी ओर वासरी चालू कराने की मांग को लेकर कई दौर बार वार्ता भी हुई। प्रबंधन ढुलमुल की नीति अपनाए हुए हैं। प्रबंधन सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन चालू नहीं कर रही है। अगर प्रबंधन इसी तरह अगर नहीं चेताए तो सीसीडब्ल्यू धनबाद में पुतला दहन किया जाएगा और भी जोरदार आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आज सुदामडी वासरी में बिहार कोयलवरी कामगार यूनियन के द्वारा भ्रष्ट मैनेजमेंट, निकम्मा मैनेजमेंट का आज पुतला दहन किया गया। कारण है, आप लोग देख ही रहे हैं कि JBCCI की बैठक लगातार कई दौर का बैठक हुआ, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज कोल मंत्रालय से लेकर के कोल इंडिया चेयरमैन और आपका CMD टोटल लोग सिर्फ टाल मटोल कर रहा है और मजदूरों को गुमराह कर रहा है, जिसके खिलाफ में तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन का काफ़ी आंदोलन भी करने की तैयारी चल रहा है और आने वाला नया साल में इसको लेकर संयुक्त रूप से सम्मेलन भी होने जा रहा है और उसी सम्मेलन में तय होगा कोल इंडिया का भविष्य के बारे में। मजदूर का इस तरह से गुमराह किया जा रहा है कि सुदामडी वासरी आज लगातार 1.5-2 साल से कोयला के अभाव में और मेंटेनेंस के अभाव में आज बंद पड़ा हुआ है। यह 200-250 मजदूर रोज आते हैं, हाजिरी बनाते हैं और बैठे रहते हैं। कोई काम बताने वाला, कोई काम कराने वाला न तो परियोजना पदाधिकारी आते हैं, न तो पर्सनल मैनेजर आते हैं। 12 बजे के बाद सब लोग यहाँ पर पदस्थापन होते हैं। 12 बजे आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। कोई बोल दिया कोयला भवन चले गए, कोई बोल दिया CCW चले गए और कोई माए बाप नहीं है। इसके पहले भी आप लोग देखे कि सुदामडी वासरी में एक मजदूर कार्य के दौरान में दुर्घटना हो गया, वो दुर्घटना में मारे गए, है ना। उसके बावजूद मैनेजमेंट का कोई आता पता नहीं है, किसी तरह का कोई घटना हो जाए। किनका पुतला दहन किया जा रहा था? यहाँ के भ्रष्ट मैनेजमेंट का, भ्रष्ट मैनेजमेंट का पुतला दहन आज हम लोग ने किया। हम लोग का मांग है कि सुदामडी वासरी को जल्द से जल्द चालू किया जाए, जो भी संसाधन है उस संसाधन को पूर्ति करे BCCL हेडक्वार्टर और वासरी को चालू करे। अगर वासरी को चालू नहीं किया गया तो आज तो पुतला दहन किया गया सुदामडी वासरी में, जरूरत पड़ेगा तो इसके खिलाफ में, मैनेजमेंट के खिलाफ में आपका CCW में भी जाकर के पुतला दहन